नमस्कार, मैं भानु शर्मा ले दीपावली की खूब सारी हार्दिक बधाई है आप लोगों को और नया वर्ष आपके लिए शुभ मंगलमय रहे। आपकी सारी मनोकामनाएं, घर बनाना चाहते हैं, मांगलिक कार्य आपके घर पर संपन्न हो, इसी आशा के साथ गुरुदेव, देवताओं के गुरुदेव बृहस्पति 5 नवंबर को अपने स्वयं के घर में आ रहे हैं और कौन सी राशियों को क्या क्या परिणाम देंगे इस बारे में ये वीडियो है। ज्योतिष शास्त्र में कहा जाता है योग दशा गोचर अर्थात सर्वप्रथम आपकी जन्म कुंडली में किसी घटना के होने का योग होना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मंत्री बनने का योग है या सरकारी नौकरी का योग है या अन्य और कोई योग है। अब ये योग कब फलीभूत होंगे? जब सही दशा अंत दशा आएगी और उसके अंतर्गत गोचर की दशा भी अच्छी परिस्थिति में आएगी, अनुकूल परिस्थिति में आएगी, तब यह घटना घटित होगी। गोचर ग्रह का प्रभाव भी पड़ेगा। वर्तमान में शनि और केतु भी धनु राशि में पहले से विराजमान है, उनके साथ आ रहे हैं गुरुदेव, गुरु का सुप्रभाव थोड़ा कम हो जाएगा। गुरुदेव बृहस्पति 5 नवंबर 2019 मंगलवार को धनु राशि में गोचर करेंगे। ग्रहों में सबसे बड़े ग्रह होने के कारण यह गुरु कहलाए और ये देवताओं के भी गुरु हैं और ग्रहों के मंत्रिमंडल में इन्हें मंत्री का पद प्राप्त है। यह नैसर्गिक रूप से सबसे शुभ ग्रह माने जाते हैं। यह वृद्धि के कारक हैं, इसलिए अच्छी या बुरी जो भी घटना घटित हो उसमें इनका योग वृद्धि कारक होता है। यह हमारे जीवन में हमारे गुरु और गुरुतुल्य लोगों, हमारे परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान और सेवा करना, गुरु को अच्छे फल की ओर ले जाना है, फल में वृद्धि कारक है। उनकी सेवा करना, उनके कहना मानना, अपने परिवार के बड़े जो भी हैं, और उसमें गुरु का शुभ फल देना, संतान धन ज्ञान का लाभ प्राप्त होना होता है। कुंडली में बृहस्पति की अनुकूल स्थिति व्यक्ति को मान सम्मान और ज्ञान प्रदान कराती है। जातक को धन की प्राप्ति भी अच्छी मात्रा में होती है गुरु के द्वारा ही, और संतान सुख की प्राप्ति के लिए भी गुरु की मजबूत स्थिति को देखा जाता है। वहीं गुरु जब इसके विपरीत अवस्था में होते हैं तो इन सभी कारणों में कमी आने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यह धनु और मीन राशि के स्वामी यानी कि 9 और 12 राशि के स्वामी करक में यह उच्च के हो जाते हैं, मकर राशि में ये नीच के माने जाते हैं। बृहस्पति की खास बात यही है कि यह दृष्टि इनकी अमृत के समान मानी जाती है। यह जहां भी देखते हैं अमृत के समान कर देते हैं, बहुत पवित्र फल देते हैं, शुभ परिणाम देते हैं, जिस भाव को देखते हैं। मकर राशि वाले जातक, मकर लगन वाले जातकों के लिए गुरु द्वादश और तीसरे भाव का स्वामी होकर के 12वें भाव में गोचर कर रहा है, अतः शुभ कार्यों में खर्चा होने की संभावना रहेगी, मांगलिक कार्यों में खर्चा होने की संभावना रहेगी। आप 2 महीने तक गुरु के गोचर का अनुभव प्राप्त करें। अगर आपको लाभ नहीं हो रहा है तो उसका गुरु का उपाय अवश्य करें ताकि मांगलिक कार्यों में अच्छी जगह खर्च हो जाए, शुभ कार्यों में व्यापार में खर्च हो जाए, चाहे धर्म के क्षेत्र में खर्च हो जाए, चाहे भवन बनाने में, मकान बनाने में आपका खर्च हो जाए। आज सुदूर क्षेत्र की यात्राएं भी आपकी हो सकती है, आप दूर की यात्राएं भी करने के योग बन रहे हैं। यह स्त्री की राशि है अगर मकर राशि, तो उसके परिणाम अच्छे नहीं मिलेंगे, बेकार खर्च हो सकता है, स्वास्थ्य थोड़ा खराब हो सकता है, इसलिए उपाय कर ले। और पुरुष के लिए यह बहुत ही अच्छा परिणाम देगी,
पुरुष राशि जिसकी मकर राशि है पुरुषों की, वो वहां से अच्छे परिणाम मिलने की संभावना है। यात्रा, स्वास्थ्य, छोटे भाई बहनों, धर्म कर्म, मामा, कानूनी मामलों, माता, वाहन पे धन खर्च हो सकता है, उनसे लाभ प्राप्त हो सकता है। संबंधों को लेकर सचेत रहें, आपको अकेले भी रहना पड़ सकता है, आपको घर की भी बदलना पड़ सकता है। खर्चों पे विशेष ध्यान दें आप, खर्चे बेकार हो सकते हैं, इसलिए गुरु का 2 महीने तक अनुभव प्राप्त करें। अगर आपके शुभ कार्यों में खर्च नहीं हो रहा है तो उसका कोई उपाय कर ले, गुरु का उपवास कर दे, गुरु रत्न धारण कर ले। आपकी पत्रिका में गुरु अगर अच्छा नहीं है तो परिणाम ये संभावना रहेगी, वरना गुरु शुभ जगह पैसा खर्च करवाएगा। जो पुरुष की राशि मकर राशि है तो अवश्य ही अच्छी जगह पैसा खर्च होगा। और मांगलिक कार्यों में आप भवन बनाने की, मकान बनाने की सोच रहे हैं तो वो भी आपका पूर्ण होने की संभावना है। यह समय मेहनत करने का है। मैं आपको एक खास बात बता दूं, आपको शनि का 7.5 भी चल रही है, इसलिए मेरा एक वीडियो आएगा, उसको देखिएगा, वह गुरु मंत्र की तरह ही आप पर काम करेगा। और कानूनी मामलों में सावधानी रहने की आवश्यकता है। गुरु आपके पराक्रम का मालिक होकर के वै भाव में विराजमान हो रहे हैं, इसलिए यह 5वीं दृष्टि इसकी सुख भाव पर पड़ेगी, सुख की प्राप्ति होगी, माता से लाभ होगा। आप भवन बनाने की सोच रहे हैं, भवन अवश्य बनेगा, यह दृढ़ता तो आपको लानी होगी। और दूसरी दृष्टि उसकी 7वीं दृष्टि उसकी है आपके रोग ऋण शत्रु पर, तो शत्रु उत्पन्न हो सकते हैं, ऋण से मुक्ति हो सकती है। आपने कोई लोन ले रखा है तो लोन मिल की उतर भी जाएगा, और लोन लेना चाहते हैं तो उपलब्ध भी हो जाएगा आपको आसानी से। और आप अगर स्वास्थ्य खराब है तो स्वास्थ्य को आप अच्छा प्राप्त करने की चेष्टा रहेगी, और स्वास्थ्य अच्छा मिल भी जाएगा आपको। यह मेरा कार्यक्रम आपको अच्छा लगा हो तो अपने परिवार मित्रों को अवश्य शेयर करिएगा। नमस्कार और आशीर्वाद आपको पूर्णता से।